हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राहुल रंजन और स्टडी इंडिया डॉट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के लिए एक नया सीरीज जो स्टार्ट हुआ है, वो सीरीज है आपको कंप्लीट साइंस, कंप्लीट जीके, कंप्लीट करंट अफेयर्स, ये सभी का एक सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आपको जितने भी अब गवर्नमेंट आफ्टर लॉकडाउन के बाद जितने भी जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम होने वाले हो, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम हो, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, पुलिस, डीआरडीओ या ऑल स्टेट का जितने भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में मैं आज आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। और साइंस और फिजिक्स का मापन और गतिकी, मापन और गतिकी से आपको दो प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बता दो कि और भी जैसे आप पॉलिटेक्निक ये सभी एग्जाम होते हैं ना, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी गवर्नमेंट सेक्टर का किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और सभी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने डील किया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही आसान शब्दों में सारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। और लास्ट में आप लोगों को कमेंट करना है कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, फीडबैक जरूर देना है, ताकि मैं नेक्स्ट डे प्रत्येक दिन आपको रेगुलर वाइज सारा टॉपिक का, सभी टॉपिक का एक सीक्वेंस में प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और मैं इस वीडियो को लाइक का टारगेट, अभी फर्स्ट वीडियो है तो लाइक का टारगेट कम से कम भी 500 मैं चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या बोल रखा है वो चीज समझना है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत लोगों का पता भी होगा, आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टीन और डार्विन। फटाफट आंसर दे दो सभी लोग। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन जी के द्वारा किया गया था। आपको पता होना चाहिए कब किया गया था जी, ये भी पता होना चाहिए, 1687 में किया गया था। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति के तीन नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? तीन नियम दिए थे टोटल। और इसमें ये आपको बता दूं, ये सभी नियम जो है ना, इनका एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। उस पुस्तक का क्या नाम है? Principia, प्रिंसिपिया नाम है। और यही प्रिंसिपिया पुस्तक में तीनों नियम का जिक्र किया गया। और आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि न्यूटन का कौन सा बुक है, तो बुक का नाम है प्रिंसिपिया। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इस वैज्ञानिक के समर्थ इन नियमों के जो है, न्यूटन के तीनों नियम का जो है उस पुस्तक में जिक्र किया गया है, जो कि 1687 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, मास्टरमाइंड क्वेश्चन, आंसर दो सभी लोग। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु को स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो, न्यूटन का कौन सा नियम है? फटाफट आंसर दो, सही बच्चे आंसर देना है। न्यूटन का कौन सा नियम है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वेरी गुड, सभी लोग आंसर आना चाहिए। न्यूटन का फर्स्ट नियम है। क्या न्यूटन जी बोले थे पहला नियम में? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और उसके दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, धमाकेदार तरीका से टेस्ट को देना है, टेस्ट की तरह ही आपको ट्रीट करना है और सभी क्वेश्चन का आंसर याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन गति का कौन सा नियम है? और यही सब क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट को, जानते हुए भर में एग्जाम में बनाते, एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करके चलाते, घर पे आते हैं वो ऐसा बनता है, ऐसे ही इसका क्वेश्चन का आंसर होता है। तो ये काम जो है ना, अभी से जिसको फिक्स कर लो कि ये काम एग्जाम में नहीं हो सके, हम एग्जाम में सही बना के आ सके। करेक्ट आंसर न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, धमाकेदार तरीका से क्वेश्चन को लगाना है, प्रत्येक क्वेश्चन को, चलो आंसर दो सभी लोग। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर क्या हो जाता है?
झुक जाता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? फटाफट आंसर दो सभी लोग। कोई भी गतिशील बस में अगर तुम लोग ब्रेक जा रहे हो तो अगर ड्राइवर वो ब्रेक लगाता है तो क्या होता है? तुम बैठे हुए सीट से थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाते हो। ये झुकने का क्या कारण है? न्यूटन का कौन सा नियम यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है? फटाफट आंसर दे दो सभी लोग। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ का नियम यानी पहला लॉ जो है ना अप्लीकेबल कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मजेदार तरीका से आंसर दो सभी लोग। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः आप लोग जो है ना अचानक ब्रेक लगने पर यात्री के शरीर का आधा भाग जो है ना गाड़ी के संपर्क में होता है और विरामा वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है, लेकिन ऊपर वाला जो भाग होता है ना वो जड़त्व के नियम के कारण वे अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए बस को जब रुकती है ना तो यात्री आगे की ओर क्या होता है? हल्का सा झुक जाता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। चलो अगला प्रश्न ये रहा, आंसर दो सभी लोग। क्या क्वेश्चन बोल रखा है? गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार कौन किया था? कंफ्यूज मत होना कोई भी। एडिसन, न्यूटन एंड फराडे, चार ऑप्शन दिया गया है। एडिसन, न्यूटन एंड फराडे, नन ऑफ दीज। आंसर दे दो सभी लोग। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार कौन किया था? बहुत अच्छे, वेरी गुड, न्यूटन। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। सभी चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन के साथ किया जाएगा ताकि आपको एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे ना आप बेशक उस क्वेश्चन को बना सको। न्यूटन के पुस्तक में प्रिंसिपिया पुस्तक में ये सारा चीज दिया गया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ दिया जी वो चीज को देखिए। सबसे पहले ध्यान रखिए अपना क्वेश्चन पे। गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? फटाफट आंसर दे दो। सर्वत्रिक नियम जो है ना, बहुत अच्छा, न्यूटन। बहुत अच्छा, वेरी गुड, न्यूटन का ही ये था जो है सर्वत्रिक नियम। चलो जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखना सभी लोग। सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाया गया है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, आंसर दे दो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आंसर दो सभी लोग। न्यूटन का कौन सा नियम में रेखीय संवेग संरक्षण का जिक्र किया गया है? रेखीय संवेग संरक्षण का जिक्र जो किया गया है ना वो न्यूटन का कौन सा जी? न्यूटन का जो है ना आपको मैं बता दू तृतीय नियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना कोई भी, कोई बच्चे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आपको बताया क्या गया था? न्यूटन का प्रथम नियम तो जड़त्व का नियम है, आपको पता होगा। दूसरा नियम संवेग संरक्षण या फिर बल, संवेग संरक्षण या बल से है। और तृतीय नियम जो है ना वो आपको जो है, मैं आपको बता दूं कि वो जो है आपका क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, वन सेकंड। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है रैखिक संवेग संरक्षण तो न्यूटन का दूसरा नियम होगा, ठीक है ना। तीसरा नियम नहीं, ध्यान से देखना, न्यूटन का दूसरा नियम, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का है, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का है, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का, तीसरा तो जो है ना आपको क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलो जी अगला प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं सभी लोग, ध्यान से देखना, कोई स्किप मत करना क्वेश्चन को, बस ध्यान से आपको सेट को लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देना। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो लिफ्ट का क्या कंडीशन रहेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। स्थिर वेग से ऊपर की ओर जाएगा, स्थिर वेग से नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की तरफ त्वरित करेगा और नीचे की ओर जो है त्वरित करेगा, आंसर देना सभी लोग। बिल्कुल, वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऊपर की ओर त्वरित होने पे व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, ठीक है। जब ऊपर की ओर जो है ना त्वरित होने से जो है ना व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। चलो जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसी पिंड में उस गुणधर्म को क्या कहेंगे जिससे वह सीधा रेखा में या विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती हो? चार ऑप्शन दिया गया है, गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार एंड अक्रियता। फटाफट आंसर दे दो सभी लोग। किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को क्या हम लोग बोल सकते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करता हो, उसको हम लोग जड़त्व बोल सकते हैं, ठीक है। जड़त्व, जड़त्व के कारण ही तो किसी भी पिंड की अवस्था परिवर्तन या गति का जो है ना विरोध करता है, या स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, या फिर गतिमान कंडीशन में है तो गतिमान में ही रहना चाहता है। न्यूटन का सिद्धांत दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा ना उसकी अवस्था भी जो है
परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है उसके जड़त्व का माप है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, थोड़ा सा ये जो है अननोन क्वेश्चन है। SHM, ध्यान से सुनना, SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है वक्र होगा, क्या होगा? एक दीर्घवृत्त, एक सीधी रेखा, एक वलय, एक वृत्त। कौन से कंडीशन में होगा वो? जो होगा ना वो आपका एक दीर्घवृत्त होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि SHM से गुजरने वाली जो भी कण होता है उसके लिए वेग का विस्थापन के मुकाबले आरेख एक दीर्घवृत्त होता है। जब भी कोई कण अपनी साम स्थिति से दोनों ओर एक सरल रेखा में इस प्रकार अवर्त गति करता है कि प्रत्येक स्थिति में इसका त्वरण भी इसकी साम स्थिति के और विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से सुनना, कोई स्किप मत करना, क्योंकि स्टेशन बहुत ही लाजवाब और महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सभी क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा अगर दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा? दीर्घवृत्त का तल क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दीर्घवृत्त का जो तल होगा ना वो आपको पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यदि पृथ्वी का कोई उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा ना तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के एक फोकस पर जो है ना टिका हुआ रहेगा, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखना सभी बच्चे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्प्रिंग का काठिन्य क्या है? स्प्रिंग की भारहीनता धारिता के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप स्प्रिंग का कठिन स्प्रिंग की भारहीनता भारवाहिता धारिता है। स्प्रिंग का कठिन जितना ही अधिक होगा, स्प्रिंग जितना ही कठोर होगा ना उसकी भारहीनता क्षमता उतना ही अधिक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ध्यान से देखना और आंसर दो सभी लोग। जी की यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, जी कैपिटल जी के बारे में पता है ना, कैपिटल जी के बारे में बता दो सभी लोग, क्या है इसका आपको यूनिट पूछा जा रहा है। कैपिटल जी का यूनिट सभी लोग बता देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बताया गया था ना। जी बराबर क्या बताया गया था? जी बराबर आपको बताया गया था एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 होता है ना। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा, m1 m2 मास है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, आर है रेडियस यानी मीटर हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न पर मोहन करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है वो चीज को देखना सभी लोग, वन सेकंड। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बल का मात्रा क्या होगा, कोई गलत मत करना, कोई भी बच्चे गलत मत करना, बल का मात्रा का आपसे पूछा जा रहा है, आंसर दे दो सभी लोग। बल का मात्रा क्या होता है? बल का मात्रा क्या होता है? सभी बच्चे आंसर देना बल का मात्रा क्या होता है? बल का मात्रा क्या होता है? बल का मात्रा का आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि बल बराबर क्या होता है जी? बल बराबर जो होता है ना, बल बराबर आपका द्रव्यमान, मास गुने एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुने जो है ना एमए होता है, फोर्स बराबर एमए होता है ना, एफ बराबर एमए, वही आपसे पूछा जा रहा है। मास गुने एक्सीलरेशन होता है ना, ठीक है ना, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। चलो जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? कोई भी कंफ्यूज मत करना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? कोई बच्चे गलत मत करना, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है और आंसर देना, और वीडियो को लाइक शेयर करो सभी लोग। सही बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया गया आप लोगों के लिए। एक माइक्रोन बराबर जो होता है ना 0.001 होता है। क्या होता है? 0.001 होता है। बहुत लोग कंफ्यूज करके ये लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये फिक्स वैल्यू है, आपको याद करना पड़ेगा। एक माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कर मोहन करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि तापमान का ऐसा मात्रक क्या है? बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तापमान का एशय मात्रक क्या है? बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, आंसर दो सब लोग। तापमान का एशय मात्रक क्या होता है?
तापमान का एशय मात्रक जो होता है ना वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, याद कर लेना सभी बच्चे, तापमान का एशय मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापमान का एशय मात्रक केल्विन होता है, जबकि समानता है इसे -273 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है इंडिकेट किया जाता है। चलो जी अगला प्रश्न की ओर मोहन करते हैं, ध्यान से सुनना और क्वेश्चन को एक थोड़ा सा एनालिसिस दिमाग में करना, उसके बाद आंसर देना। जब एक पानी से भरी गिलास के नीचे कागज को खींचते हैं ना, जैसे देखो एक गिलास है, एक टेबल पे रखा गया है, ये टेबल पे जो है ना रखा गया है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये टेबल है, एक टेबल है, टेबल पे रखा गया है, ठीक है मान लेते हैं, और इसके ऊपर एक जो है ना एक कागज है, एक कागज समझो कि है, ठीक है कागज रखते हैं, एक पानी से भरी गिलास, ये गिलास जो है ना पूरा गिलास जो है भरा हुआ है पानी से, पानी से भरी हुई गिलास के नीचे कागज को खींचते हैं तो पानी की गति उत्पन्न होगी। कागज जो है ना इसको इधर की ओर मोहन करते हैं, खींचते हैं तो गति उत्पन्न नहीं होती, किसके कारण गति उत्पन्न नहीं होती वो आपसे पूछा जा रहा है। एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होता है, उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है जड़त्व, ठीक है ना, जड़त्व का कारण, जड़त्व के कारण पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचने पर पानी में कोई भी गति उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आंसर दो सभी लोग, दिए हुए कालाक्रम एक बैग दे रखा है, ग्राम में मंदन और ये सब चीज दे रखा है, यहाँ पे बैग मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, इधर टाइम का ग्राफ दे रखा है, आपको बताना है कि ग्राफ में मंदन का मान क्या होगा, ग्राफ में मंदन का मान क्या होगा। यहाँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर है, 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन है, और यहाँ पे ये जो है ना ये आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बी वाला। अब आंसर दो सभी लोग, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ग्राफ में आपको चेंजेस दिख सकता है बट एज इट इज क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना, बस ध्यान से देखना और आंसर देना। ग्राफ और समय बेग ग्राफ में जो मंदन आपसे पूछा जा रहा है, फॉर्मूला आपको बताया गया था, मंदन मंदन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया था, V2 - V1 / क्या बताया गया था, T2 - T1 किया जा रहा है, यानी भी कितना बढ़ रहा है जी, यहाँ पे स्पीड देखो, यहाँ पे बेग जो है ना कितना, बेग मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना बढ़ रहा है, 50, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है ध्यान से देखना, 0 यहाँ पे देखो, ये तो 0 पॉइंट है, ये जो है 0.0 है, यानी 0 से ऊपर कितना जा रहा है, 50 जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, 0 से 50 जा रहा है, ठीक है। टाइम कितना बढ़ रहा है, टाइम देखो यहाँ से ऐसे देखो, यानी 10 से 0 जा रहा है, यानी 10 - 0 हो गया, यानी कहने का -50/10 हो गया, 50 हो गया, यानी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी माइनस में नहीं लिया जाता, यानी प्लस में हो जाएगा, प्लस में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो जी अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कंफ्यूज मत होना और आंसर देना, जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सही बच्चे आंसर देना, जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सही बच्चे आंसर देना, वस्तु का संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण एंड कोणीय संवेग संरक्षण, सही बच्चे आंसर देना। एक जेट इंजन जो है ना ये सिद्धांत पूछा जा रहा है तो आपका रैखिक संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, जेट इंजन जो है ना रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताया भी गया है कि रॉकेट व जेट इंजन न्यूटन गति के तीसरा नियम तथा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, यहाँ पे और रैखिक संवेग संरक्षण के जगह पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लिख सकता है, तो आपका आंसर वही होगा। चलो अगला प्रश्न की ओर मोहन करते हैं, रॉकेट किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये तो भाई क्वेश्चन है, ये जो है आपको संवेग संरक्षण, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हाँ ये क्वेश्चन फिर मजेदार क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एक लड़की झूला में बैठकर झूल रही है, ठीक है, एक लड़की जो है झूला, देखो ये जो है मान लेते हैं यहां पे बैठा हुआ है कोई लड़की है, जो बना दो ना,
बस एज इट इज समझो कि ये झूला है, झूला में यहाँ पे बैठ रहा है, इधर से इधर मूवमेंट कर रहा है, बैठ रहा है ना, बैठा हुआ है, ठीक, यहाँ पे खड़ा बैठा, इधर इसको बैठा दो यार तुम लोग, मान के चलो ये बैठा हुआ है, ठीक है, ये बैठा हुआ है, ठीक है, ये बैठा हुआ है। और ये होता क्या है कि एकाएक ये जो है ना खड़ा हो जाता है, क्या होता है, एक लड़की झूले पे बैठ कर ये झूल रही है और एकाएक ये जो है खड़ी हो जाती है, ये जो है फिर खड़ा हो जाता है, ठीक है ना, खड़ा हो जाता है। जब खड़ा बैठा हुआ है, पहले तो बैठ के झूल रहा था, वो खड़ा हो गया, एक एक खड़ा होकर के झूलने लगा, तब इस जो दोलन जो दोल रहा है ना, झूला जो झूल रहा है, तो झूला का दोलन काल क्या होगा, झूलने का काल क्या होगा, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाता है। आप लोग अगर झूला झूले होगे तो आप जो है एनालिसिस किए होगे, ठीक है ना, वो ध्यान से देखे ना, ऑप्शन करेक्ट आंसर कम हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन वैसे करने कोशिश मत करना, डेंजर होता है, ठीक है, गिर जाओगे। एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि एक लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लड़की के खड़े होने पर झूले का प्रभावी लंबाई जो है ना कम हो जाता है तथा उसका दोलन काल कम हो जाता है। अगला प्रश्न मोहन करो, और सभी क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करके जाना है, डिटेल एनालिसिस। चलो ये क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में क्या होती है, गति करते हुए जब वस्तु कोई है तो वो वस्तु में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा होती है, जल विद्युत ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, सही लोग आंसर देना, उसमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, किसी वस्तु या पिंड से उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं ना, जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले और चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में भी सब जो है उत्पन्न होता है ये सब ऊर्जा। चलो जी अगले क्वेश्चन को मोहन करते हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और एक थोड़ा सा अपना लव प्यार सपोर्ट जो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है वो सपोर्ट अपने तरीका से भी जो है एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे कम से कम वीडियो को लाइक और कम से कम दो या तीन फ्रेंड के पास शेयर करने की कोशिश करो, जो है ना इससे होता क्या है ना कि सिर्फ हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि मैं जो आप लोग के लिए मेहनत करके एक कंटेंट क्वालिटी अच्छे कंटेंट वाली जो है ना आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तब एक वीडियो जो है प्रॉपर बनता है, तब आप लोग आसानी से देखते हो, तो इसके लिए एक लाइक तो करना बनता है यार, आप लाइक करने में कमी मत किया करो, बस एक लव प्यार सपोर्ट जो है दिया करो। चलो जी अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है, आंसर दो सभी बच्चे, क्रिया एवं प्रतिक्रिया जो होता है ना दो भिन्न ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है, समान परिमाण रखते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया समान परिमाण, बिल्कुल विरुद्ध दिशाएं, यानी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, समान परिणाम परिमाण रखते हैं तथा दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, सही ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन को मोहन करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग ये सभी क्वेश्चन होता है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, अगर ये क्वेश्चन कोई गलत करेगा ना तो बहुत गलत कर जाओगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग गलत करोगे, क्योंकि यहाँ पे त्वरण ऊर्जा बल ऑप्शन ऐसा दे रखा है ना कि बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता लग रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सोचो और आंसर दो, क्योंकि बहुत चीज करवाया गया चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाओ और उसके बाद देखो सारा थ्योरी अच्छे तरीके से करवाया गया। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि का परिभाषा मिलता है, तो वो राशि है एक समान गति, कौन सा, एक समान गति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बहुत लोग बल लगा रहे हो मुझे पता होगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, न्यूटन गति के प्रथम नियम की बात कर रहा है ना, गति के प्रथम नियम से किसी वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, अगर वस्तु विराम की अवस्था में है या फिर एक समान गति की अवस्था में है तो वह बल के अभाव के कारण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर मोहन करो, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना, ग्राफिक्स कैसा लग रहा है, लास्ट में ये भी थोड़ा कमेंट कर देना आप लोग, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व यानी इनर्सिया का एक्सप्लेन करता है, न्यूटन के गति का
कौन सा नियम इनर्शिया का एक्सप्लेन करता है जी? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गति का प्रथम नियम इनर्शिया यानी जड़त्व का व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी वस्तु की स्थिति तथा दिशा में कोई भी किसी भी बाह्य बल के कारण परिवर्तन नहीं हो सकता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पे करता है? एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो है ना द्रव्यमान पे करता है। किस पे? द्रव्यमान पे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। पूछा जा रहा है कि बेंटुरीमीटर से क्या मापा जाता है? बेंटुरीमीटर से क्या मापा जाता है? आंसर दो सभी बच्चे। बेंटुरीमीटर से द्रव के प्रवाह को मापा जाता है। किसको? द्रव के प्रवाह को बेंटुरीमीटर से मापा जाता है। बेंटुरीमीटर से द्रव के प्रवाह को मापा जाता है जिससे मुड़ी हुई रबड़ की पाइप द्वारा जल के प्रवाह को मापते हैं। इसका खोज जो है ना इटली के एक बहुत ही फिजिक्स जो है ना भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम था जियोवानी बटिस्टा बेंटुरी, ठीक है ना। बेंटुरी लास्ट में लगा दिए थे अपने नाम के लास्ट में ताकि इनका जो है नाम आगे की आगे जो है इन फ्यूचर जो है कोई नाम जान सके, ठीक है ना। यानी जियोवानी बेटिस्टा बेंटुरी ने किया था। चलो जी अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान से सुनना सभी क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है, नितिन जो है नितिन नाम का कोई लड़का है वो सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था। बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। नितिन नाम का कोई लड़का है वो सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक वह तैरने लग जाता है। नितिन पानी में तैरता है, यह गति के किस सिद्धांत को सत्यापित कर रहा है? ध्यान से सुनना, आप अपने पे जो है ना लेकर के जो है इस क्वेश्चन को एनालिसिस करो और आंसर दो। नितिन सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक वह तैरने लग जाता है, तो नितिन पानी में तैरता है या गति के कौन से नियम का जो है गति के कौन से सिद्धांत को ये जो पालन कर रहा है सत्यापित कर रहा है? न्यूटन गति का तीसरा नियम। कौन सा? तीसरा नियम। क्यों जी? क्योंकि नितिन जो है गंगा नदी में पानी के बहाव को विपरीत दिशा में तैरता होगा, ठीक है। यह न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और यह क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कौन सा नियम है? यह गति का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से सुनना। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एंगस्ट्रॉम से क्या मापते हैं? एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तरंग दैर्ध्य का मात्रक ही एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना, याद कर लेना। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। क्या मापा जाता है? टेकोमीटर से चाल को मापा जाता है। बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, कंफ्यूज मत होना। टेकोमीटर एक उपकरण है जिससे किसी भी वाहन को चाल का पता लगाया जाता है, जिससे जो है ना आरपीएम गेज भी बोला जाता है। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टेकोमीटर का बहुत ही प्रयोग होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बस ध्यान से देखना सभी बच्चे। क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर किसको मापने के लिए किया जाता है? सभी बच्चे आंसर देना। एनीमोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग पवन की वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका? पवन के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। एनीमोमीटर एक ऐसा उपकरण है ना जिसकी सहायता से पवन की गति के साथ साथ उसका दाब भी मापा जाता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब जो है इस सेशन को द एंड करते हैं, यानी ये सेशन यहाँ पे क्या हो गया, द एंड हो गया। इस सेशन के लास्ट में सभी बच्चे कमेंट में जरूर कमेंट करें कि ये सेशन आपको कैसा लगा, कैसा लगा ये आपको कमेंट जरूर करना है और फीडबैक दीजिए सभी बच्चे। ये सेशन मैं कोशिश कर रहा हूं ना
कि आपको फिजिक्स हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके में भी आपको सारा चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप लोगों को करवा दो, ठीक है ना। साइंस में हिस्ट्री, इतिहास जो है, भूगोल हो गया, वो सारा चीज आपको करवाने का कोशिश मेरा रहेगा, और जो है ताकि आपको आपको एग्जाम में किसी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण सारा सेशन रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा चैनल पे रेलवे का सबसे धांसू क्लासेस करवाया जा रहा था, रेलवे का जो है ना, आपको असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एसएससी, रेलवे जेई, एसएससी जेई, सारा का सबसे बेहतरीन क्लासेस करवाया जा रहा था। तो मैं सोचा हूँ स्टूडेंट का डिमांड को देखते हुए कि सेशन को कंटिन्यू किया जाए, तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कम से कम 5 से 10 फ्रेंड को शेयर कीजिए। यार ग्रुप चलाते हैं व्हाट्सएप, तो वहाँ पे लिंक को थोड़ा सा फॉरवर्ड तो करना होता है, बाकी कुछ नहीं। मैं मेहनत करता हूँ ना, वो आपको जो है ना, वो मेहनत कहीं ना कहीं जो है दिखना चाहिए, ठीक है ना, तभी जो है हम लोग को भी लगेगा कि कहीं ये मेहनत जो है सही तरीका से जो है डिलीवर हो रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।